राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाएंगे ढाबे स्टाइल दम आलू, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। एकदम ढाबे स्टाइल बनी है, इसे आप इजीली घर पे बना सकते हैं बिल्कुल कम चीज़ों में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस दम आलू को बनाने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे आलू लेना है। इसे अच्छे से छील के इसे पानी में डालनी है। उसके बाद से देखिए, इस तरह से डैप करेंगे चाकू से, देख सकते हैं। सारे आलू में चाकू लगाने के बाद से एक मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ताजी दही लेंगे 3 चम्मच, देखिए। उसके बाद से कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच ये कश्मीरी मिर्च, यहीं पे थोड़ी सी डालेंगे हल्दी पाउडर और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और डालेंगे यहाँ पर सरसों के तेल, 1 बड़ा चम्मच भर के सरसों के तेल डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को दही के साथ मिक्स करेंगे। दही को अच्छे से फेंट लेंगे, कोई इसमें गुठली ना रहे, दही का लंग्स ना रहे, नहीं तो आपकी दही जब ग्रेवी में जाएगी तो फट जाएगी। तो इसे मिक्स करके और साइड कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कढ़ाई में तेल रख लिए हैं, इसे हल्का आंच पे गरम किए हैं। इसमें सारे अपने आलू को डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन फ्राई होने देंगे। तो आप देख सकते हैं, इसे फ्राई होते हुए करीब 8 मिनट हुआ है और ये बहुत ही अच्छा सा कलर पकड़ लिया है। तब यहीं पे हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छे से हमारा आलू सीझ गया है अंदर तक और एक अच्छा सा कलर आ गया है। तो इसे निकाल लेते हैं और अपने कढ़ाई का जो तेल है उसे कम कर लेते हैं। तो देखिए, सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर पहले जीरा डालेंगे। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 तेज़पात, कुछ खड़े मसाले डालेंगे और इसे अच्छे से तड़कने देंगे। देखिए तड़क गया। यहाँ पे 2 बारीक कटा हुआ प्याज लिए थे, इसे डाल लेंगे और इसे तेल के साथ मिक्स करेंगे। इसे हाई फ्लेम पे पकाना है। चलिए, जो हमने मैरिनेशन तैयार किए थे दही वाला, उसे फ्राई किए हुए आलू में डालेंगे। आलू हमारा बहुत हद तक ठंडा हो गया है और इसमें मिक्स करके ढक के रख देंगे। यहाँ देखिए, प्याज में बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया था। अब यहीं पे 1 टमाटर कट किए थे बारीक लाल वाला, इसे भी डाल देंगे। कुछ सूखी मसाले ऐड करेंगे, तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और यहाँ पे 1 चम्मच ये लाल वाला मिर्च और थोड़ी सी नमक, क्योंकि नमक हमने वहाँ पर भी ऐड किए थे। और मसाले को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा डाल देंगे पानी ताकि हमारा प्याज टमाटर मसाले अच्छे से भून जाए। तो चलिए, मसाले को अच्छे से पकाते हैं। तो देखिए, मसाले को पकते हुए करीब 2 मिनट हुआ है। अब यहीं पे 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे मसाले एक साथ मिक्स करेंगे और मसाले को बहुत ही अच्छे से पकाएंगे। इसे तब तक पकाएंगे मसाले में से तेल सेपरेट ना हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे मसाले पक चुकी है। अब 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी डालेंगे और इसे भी मसाले के साथ 1 मिनट भून लेंगे। मसाले हमारा पक चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, गैस को कर देते हैं मीडियम। उसके बाद से यहाँ पे जो मैरिनेट किए थे आलूओं को मसाले के साथ इस तरह से डाल देंगे और इसे लगातार चलाएंगे, नहीं तो आपकी दही वाली मसाले है फट जाएगी। तो इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट पकाएंगे, उसके बाद से हम छोड़ेंगे। तो कभी भी दही डालें मसाले में तो उसे लगातार चलाते रहिए, नहीं तो फट सकती है। देखिए, अब थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें पानी, देख सकते हैं, और मिक्स करेंगे और इसे ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बीच में 1-2 बार चला भी लेंगे। तो चलिए, 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो ये लीजिए, 5 मिनट हो चुकी है, हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से पक चुका है। हमें जितना ग्रेवी चाहिए सब्जी में उतना है। इसकी दम आलू की थिकनेस इतनी ही रखनी चाहिए। तब लास्ट में फिनिशिंग करेंगे थोड़ी सी हरा मिर्च और हरी धनिया के साथ। गैस को कर देते हैं आप। तो लीजिए दोस्तों, हमारे ढाबा स्टाइल दम आलू बनके हो गया तैयार। तो बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 1 लाइक दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय।